जांजगीर जिले की डबरा थाना पुलिस ने अपहरण कर शारीरिक शोषण के मामले में एक महीने से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल पूरा मामला टुंडरी गांव का है, जहां आरोपी युवक शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर यूपी ले गया था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर टीम गठित की। पुलिस की इस टीम ने उत्तर प्रदेश में दबिश दी और संदेही विकास कुमार के कब्जे से सुल्तानपुर जिले के ग्राम पौधन से नाबालिग लड़की को बरामद किया, साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में लड़की ने बताया, आरोपी युवक शादी की बात कहकर उसे उत्तर प्रदेश ले गया था और शारीरिक संबंध बनाया। ये घटना दिनांक 10 चार 2021 का है। प्रार्थी ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिग 14 साल की बच्ची को कोई अज्ञात व्यक्ति अपहरण करके ले गया। संदेही विकास कुमार पिता ननकौ गौतम उम्र 20 वर्ष साकिन पौधन रामपुर थाना अखंड नगर जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के कब्जे से अपहृता को बरामद किया गया और दोनों को बरामद करके थाना लाए। थाना में उनके माता पिता वगैरह से पूछताछ करने पर मामले में धारा 367, 376, धारा 6 पास को एक्ट जोड़ी गई है और आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।